बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने पहले इसके वर्ड्स चुनो उनको पढ़ा, मैंने आपको इस स्टोरी का सिनॉप्सिस जो है वो बताया, तो अब हम इसकी जो है वो रीडिंग जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे। मिस्टर एंडरसन सेड, वेयर्स जिमी डियर। मिस्टर एंडरसन जो है वो कहता है कि जिमी कहाँ है। आउट ऑन द क्रेटर, सेड मिसेस एंडरसन। उसकी जो मदर है वो कहती है कि वो क्रैटर के बाहर है, यानी जो लावा जहाँ से निकलता है उसके मुंह जो है उसके आगे वो खड़ा है। ही विल बी ऑल राइट, वो सही होगा। रिपोर्ट इज विद हिम। डिड ही अराइव, कि जो रिपोर्ट है वो उसके साथ है, क्या वो पहुँच गया। येस ही इज एट द रॉकेट स्टेशन गोइंग थ्रू द टेस्ट। हाँ, वो रॉकेट स्टेशन पर टेस्ट करवा रहा है। दर हकीकत मैं खुद भी इससे मिलने को, एक्चुअली आई कैन हार्डली वेट टू सी माई सेल्फ, हार्डली वेट टू सी माई सेल्फ। वो कह रहा है कि दर हकीकत मैं खुद भी उससे मिलने को बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। आई हैव नॉट रियली सीन वन सिंस लेफ्ट अर्थ 15 years ago। वो कह रहा है कि 15 साल पहले ज़मीन से रुखसत होने के बाद मैंने ऐसा एक नहीं देखा है। यू कैन नॉट काउंट फिल्म्स, जिमीज हैज़ नेवर सीन वन, सेड मिसेस एंडरसन। फिल्मों को इस ज़मीन में शुमार नहीं किया जा सकता। यह कहता है कि हम फिल्मों के बारे में, फिल्मों का जो है वो इसमें मैं उसको शुमार नहीं कर रही, सेड मिसेस एंडरसन, बिकॉज ही इज़ मून बॉर्न एंड कैन नॉट विजिट अर्थ। जिमी ने कभी एक नहीं देखा, मिसेस एंडरसन ने कहा, उसकी मदर ने जवाब दिया कि उसने एक नहीं देखा क्योंकि वो चांद पर पैदा हुआ है, क्योंकि वो चांद पर पैदा हुआ और ज़मीन पर नहीं जा सकता। दैट्स वाई आई एम ब्रिंगिंग वन हेयर, आई थिंक इट इज़ द फर्स्ट वन एवर ऑन द मून, इसलिए मैं एक यहाँ ला रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये चांद पर आने वाला पहला है। इट कॉस्ट इनफ, सेड मिसेस एंडरसन विद अ स्मॉल साई। उसने एक आह भरी, ठीक, और उसने कहा कि काफ़ी खर्चा उठता है इस पर, यानी कि काफ़ी खर्चा आएगा। मेंटेनिंग रिबोट इज़ नॉट चीप इधर, सेड मिस्टर एंडरसन। रिबोट की देखभाल भी कोई सस्ता काम नहीं है, मिस्टर एंडरसन ने कहा। जब उसने कहा कि मैं उसके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है, तो जो उसकी मदर है, जिमी की जो मदर है, उसने बोला कि मिस्टर एंडरसन से बोला, ये उनके दोनों के दरमियान में, हस्बैंड वाइफ जो है उसके दरमियान में कन्वर्सेशन हो रही है। वो कह रही है कि ये बहुत ज़्यादा इसमें लागत आएगी, बहुत पैसे लगेंगे। तो जो मिस्टर एंडरसन है वो रिप्लाई में कह रहा है कि जो रिपोर्ट है उस पर भी कोई कम खर्चा नहीं आता। जिमी वॉज आउट ऑन द क्रेटर एज हिज मदर हैड सेड। By earth standards, he was spindly, but rather tall for a 10 years old. वो क्या कह रही है कि जिमी बाहर आते पेशाने धाने में था, जैसा कि उसकी माँ ने पहले कहा था। ज़मीन के मियारात के मुताबिक वो दुबला पतला था, ठीक, यानी कि ज़मीनी जो बच्चे होते हैं वो इस तरह से वो हेल्दी वेल्दी होते हैं। उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक वो दुबला पतला था, लेकिन 10 साल की उम्र के बच्चे के हिसाब से वो एक तवील कामत था, ठीक। He looked thicker and stubbier with his space suit on, but he could handle the lunar gravity as an earth-born human being could. वो क्या कह रहे हैं कि इसके बाजू और टांगे लंबी और फुर्तीली थी। अपना खलाई सूट पहनकर वो ज़्यादा मोटा और हट्टा कट्टा लगता था, यानी कि वो जब अपना खलाई सूट पहनता था तो वो बहुत हेल्दी वेल्दी लगता था, लेकिन वो चांद की कशिश को इस अंदाज में हैंडल कर सकता था जैसे कि ज़मीन पर पैदा कोई इंसान ना कर सके, यानी कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि कोई ज़मीनी बच्चा जो है उसको फेस नहीं कर सकता था। हिज फादर कुडंट बिगिन टू कीप अप विद हिम व्हेन जिमी स्ट्रेच्ड हिज लेग्स एंड वेंट टू द कैंगरू होप। जब जिमी अपनी टांगें सीधी करता और कैंगरू की तरफ छलांगे लगाने लगता तो उसके वालिद इसकी हवा को भी नहीं छू सकते थे, यानी कि उसके अंदर इतनी एनर्जी थी। कैंगरू होप आपको पता है, कैंगरू जैसे छलांग के, कैंगरू किस तरह से जो है वो जंप करता है। द आउटर साइड ऑफ द क्रेटर स्लोप्ड साउथवर्ड एंड द अर्थ विच वॉज लो इन द साउदर्न स्काई वेयर इट ऑलवेज वॉज अ सीन फ्रॉम ल्यूनर सिटी वॉज नियरली फुल, सो दैट द एंटायर क्रेटर स्लोप वॉज
ब्राइटली लिट। आतिशफशान ने दाने का जो बाहर वाला हिस्सा था ढलान की शक्ल में बड़ा हुआ जनूब की जानिब, और ज़मीन जो कि जनूबी आसमान में नीचे नज़र आ रही थी तकरीबन पूरी थी, लिहाजा आतिशफशान दाने ये जो क्रैटर है उसकी बात हो रही है कि सारी ढलान खूब रोशन थी, वहाँ पर जो है वो रोशनी थी बहुत ज़्यादा चमक रही थी। द स्लोप वॉज जेंटली वन ढलान द स्लोप वॉज जेंटली वन एंड इवन द वेट ऑफ द स्पेस सूट कुडंट कीप जिमी फ्रॉम रेसिंग अप इट इन अ फ्लोटिंग होप दैट मेड द ग्रेविटी सीम नॉन एग्जिस्टेंट। ढलान खासी से भी थी और खलाई सूट का वजन भी जिमी को इस पर तेजी से चढ़ने से रोक ना सका। इट्स वेरी सिंपल। और तैरती हुई छलांगें लगाते हुए जो कि कशिश शकल को बेअसर करती हुई मालूम होती थी। कम ऑन रोबोट ही शाउटेड, वो चलाया कि आओ रोबोट। रोबोट हु कुड हियर हिम बाय रेडियो स्क्विक्ड एंड बाउंडेड आफ्टर। रोबोट जो कि रेडियो के जरिए इसे सुन सकता था, चीखा और पीछे पीछे छलांगा लगाता हुआ भागा। रिबोर्ट जो कि मैंने आपको बताया कि वो उसका बहुत अच्छा साथी था, वो उसके साथ कितना खुश रह रहा है ये आप देख रहे हैं। जिमी एक्सपर्ट दो ही वॉज कुडंट आउटरेस रिबोर्ट हु डिडंट नीड अ स्पेस सूट एंड हैड फोर लेग्स एंड टेंडन्स ऑफ स्टील। रिबोर्ट सेल्ड ओवर जिमीज हेड समर सॉल्टिंग एंड लैंडिंग ऑलमोस्ट अंडर हिज फीट। यानी कि जिमी जो है वो बाहर होने के बावजूद दौड़ में रोबोट को नहीं हरा सकता था। जैसे खलाई सूट की ज़रूरत ना थी, जिसे खलाई सूट की ज़रूरत ना थी और जिसकी चारों टांगें और जो उसके जो अजलात हैं फौलाद से बने हुए थे, रोबोट कलाबाजियाँ खाता हुआ जिमी के सर के ऊपर से गुजरा और लगभग इसके कदमों के नीचे आकर गिरा। डोंट शो ऑफ रिबोर्ट सेड जिमी एंड स्टे इनसाइड। शेखियाँ मत बगाड़, यानी कि तुम इतना शो ऑफ ना हो, इतने तेज ना बनो रिबोर्ट, जिमी ने कहा, और नज़र में रहो। जिमी अपने रिबोर्ट से कह रहा है, ये उन दोनों के दरमियान में एक खेल कूद जिसे आप कह लें कि वो हो रही है, और वो उसे कह रहे हैं कि तुम इतनी शोखियाँ ना बगाड़ो, तुम इतनी शोखियाँ ना मारो, तुम जो है मेरी नज़रों के सामने रहो। रिबोर्ट स्क्वीक्ड अगेन द स्पेशल स्क्वीक दैट मीन्स यस। रिबोर्ट जो है वो दोबारा चीखा, वो उसकी जो चीखना था उसका क्या मतलब था, वो उसको आंसर में कह रहा है कि ठीक है, यस, हाँ, आई डोंट ट्रस्ट यू यू फेकर, शाउटेड जिमी। जिमी जो है वो चिल्लाया कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। एंड अप ही वेंट इन वन लास्ट बाउंड दैट कैरिड हिम ओवर द कर्व्ड अपर एज ऑफ द क्रेटर वॉल एंड डाउन ऑन टू द इनर स्लोप। वो क्या कह रहा है कि जिमी चलाया और ऊपर गया एक आखिरी छलांग लगाता हुआ जो इसे आतिशफशान दाने की दीवार के बिलाई किनारे के ऊपर से अंदरूनी ढलान के ऊपर ले गई, यानी कि वो बाहर था उसे अंदरूनी हिस्से पर जो है वो ले गई। द अर्थ सैंक बिलो द टॉप ऑफ द क्रैटर वॉल एंड एट वंस इट वॉज पिच डार्क अराउंड हिम। जो ज़मीन है आतिशफशान दाने की दीवार की चोटी के पीछे गुरूब हो गई। A warm, friendly darkness that wiped out of the difference between ground and sky except the glitter of stars. फ़ौरन इसके आसपास खूब अंधेरा सा हो गया, एक सुकून बख्श दोस्ताना मिजाज का हामिल अंधेरा है जिसने सितारों को टिमटिमाने के अंदाज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क जो है वो ख़त्म कर दिया। वहाँ पर हर चीज़ जो है वो सारे जो चमक थमक थी वो अंधेरे में गुम हो गई। एक्चुअली जिमी वॉज नॉट सपोज टू एक्सरसाइज अलॉन्ग द डार्क साइड ऑफ द क्रेटर वॉल। दर हकीकत जो जिमी है उसको क्रेटर की दीवार के तरीक हिस्से में वर्जिश करने की इजाज़त ना थी, यानी कि उसको परमिशन नहीं थी कि वो वहाँ पर जाकर कोई एक्सरसाइज करे। द ग्राउंड अप सेड इट वॉज डेंजरस, यानी कि उसके जो बड़े हैं वो कहते हैं कि ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन बट दैट वॉज बिकॉज देर वर नर्व देयर। लेकिन ये उसके लिए था क्योंकि वो कभी वहाँ पर नहीं गया था। द ग्राउंड वॉज स्मूथ एंड क्रंची एंड जिमी न्यू द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एवरी वन ऑफ द फ्यू रॉक्स।
यानी उन्होंने कहा कि उसके लिए खतरनाक है और वो क्योंकि वहाँ पर वो कभी नहीं गया था और ज़मीन हमवार और भुरभुरी थी और ज़मीन जो है वो चंद चट्टानों में से है से हर एक के दुरुस्त मुकाम से वो वाकफ था, वो वहाँ से फेमिलियर था, इसलिए वहाँ उसको जाने से नहीं रोकते थे। बिसाइड हाउ कुड इट बी डेंजरस रेसिंग थ्रू द डार्क व्हेन रिबोट वॉज राइट देयर विद हिम बाउंसिंग अराउंड एंड स्क्वीकिंग एंड ग्लोइंग। वैसे भी अंधेरे में दौड़ लगाना खतरनाक कैसे हो सकता था जब रिबोट वहीं इसके साथ मौजूद था। क्या कह रहा है कि हाउ कुड इट डेंजरस रेसिंग थ्रू द डार्क व्हेन रिबोट वॉज राइट देयर विद हिम, यानी वो कहता है कि वो कैसे खतरनाक हो सकता था जबकि रिबोट जो है वो उसके साथ हर टाइम मौजूद होता था और वहाँ पर मौजूद था। बाउंसिंग अराउंड एंड स्विकिंग एंड ग्लोइंग, इधर उधर छलांगे लगाना, चीखना और चमकता हुआ रोशनी के बगैर भी, इवन विदाउट द ग्लो, रोशनी के बगैर भी। रिबोट कुड टेल वेयर ही वॉज एंड वेयर जिमी वॉज बाय रडार, यानी वो क्या कह रहे हैं कि रडार की मदद से रिबोट जो है वो बता सकता था कि वो कहाँ है और जिमी कहाँ है। जिमी कुडंट गो रॉन्ग वाइल रिबोट वॉज अराउंड ट्रिमिंग हिम व्हेन ही वॉज टू नियर अ रॉक और जंपिंग ऑन हिम टू शो हाउ मच ही लव्ड हिम और सर्कलिंग अराउंड एंड स्क्रीकिंग लो एंड स्केयर्ड व्हेन जिमी हिट बिहाइंड अ रॉक। क्या वो बता रहे हैं कि वो रडार की मदद से बता सकते थे कि वो कहाँ पर है और जिमी कहाँ पर है, और रिबोट के मौजूद होते ही जिमी जो है वो गलती नहीं कर सकता था, यानी कि रिबोट उसके साथ था और उनको ये श्योरिटी थी कि जिमी जो है वो गलती, कोई मिस्टेक जो है वो नहीं कर सकता। जबकि वो चट्टान के बहुत नज़दीक होता तो इसे ठोकर लगवाते हुए या इसे ये दिखाने के लिए कि इस पर छलांग लगाते हुए उससे कितना प्यार करता है और चक्कर लगाते हुए और धीमी आवाज़ में चीखते हुए खौफजदा होते हुए, और इसके अलावा जब वो जिमी किसी चट्टान के पीछे छुपा होता जबकि हर वक्त रिबोट को अच्छी तरह से मालूम होता कि वो कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है।